दिल है दिल, तू एक कड़ स्वर लेगा, दिल है के मान आन आन, ये कर्ण स्वर का हम प्रयोग जब करेंगे तो क्या होगा, गाने में खूबसूरती आएगी। किसी भी गाने में अगर हम कर्ण स्वर डालते हैं, गमक डालते हैं, मुरकी डालते हैं, खटका डालते हैं, तो गाने में खूबसूरती आती है, कोई भी आप गाना गा रहे हैं या बजा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। किसी भी गाने में खटका, मुरकी, गमक कैसे लगाएं और लगाने का क्या लाभ है, लगाते हैं तो कैसे गाना खूबसूरत होता है, इस चीज को आज हम हारमोनियम में देखेंगे कि हारमोनियम अगर हम बजा रहे हैं, बजा के गा रहे हैं या सिर्फ ऐसे बजा रहे हैं तो गमक, खटका, मुरकी, कर्ण स्वर का कितना प्रयोग होता है। कोई गाना हम ले रहे हैं, जैसे मान लो कोई गाना हमने ले लिया, पहली काली को हम सी शार्प को सामान करके हम इसको बजाएंगे। जैसे कोई गाना हम गा रहे हैं, दिल है कि मानता अब इसमें देखिए कर्ण स्वर का कहां कहां प्रयोग हो रहा है। कर्ण स्वर का हम प्रयोग करके गा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, कर्ण स्वर के बिना गा रहे हैं तो कैसा लग रहा है, इसको देखना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम इसको गा रहे हैं, दिल है, तो कर्ण स्वर का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, दिल है, दिल है, दिल है, और अगर कर्ण स्वर हम हटा दे रहे हैं तो कैसा लगेगा, दिल है, दिल है, तो दिल है सीधा सीधा लग जाएगा, इसमें कोई कर्ण स्वर नहीं लग रहा है। और कर्ण स्वर लगा रहे हैं तो क्या होगा, दिल है, तो क्या हो रहा है, ग में प का कर्ण लग रहा है, दिल है कि मान मान ता नहीं, अब यहां पर ता ता ताक मन या नी से जो हम पॉपर आ रहे हैं, कोमल नी से, मंद्र सप्तक के कोमल नी से हम पॉपर जो आ रहे हैं, तो मिंड लेकर के ता नहीं नहीं, और फिर उधर से फिर हम जब सा पर आ रहे हैं तो मिंड लेकर के आ रहे हैं, तो क्या होता है कि मिंड, खटका, गमक, मुरकी, ये जब हम डालते हैं किसी भी गाने में तो गाने का स्वरूप अच्छा होता है, गाने का स्वरूप ही बदल जाता है, वो इतना खूबसूरत लगने लगता है कि वो जल्दी किसी के दिल को टच करता है, तभी वो सुंदर लगता है। ठीक है, तो इसी गाने को हम ले, जैसे यहां से हम बजा रहे हैं, दिल है, तो गाना उठ कहां से रहा है, गाना उठ रहा है गंधार से, यानी ग से, दिल है, तो ग पर प का कर्ण लेगा, प को छू करके आएगा, दिल है कि मानता नहीं। है? अगला लाइन है इसका, मुश्किल बड़ी है, अब यहां पर देखिए मुश्किल मुश्किल, यानी मौका भी कौन लग रहा है, मुश्किल बड़ी है, दस में मुहब्बत ये जानता है। इस तरह से किसी भी गाने को आप ढूंढ रहे हैं तो उसका खटका, गमक, मुरकी, इन सब बातों पर ध्यान दे दे करके तब गाने को निकालना चाहे, तो उसके लिए करना क्या हो, गाना जब सुने, गाने जब याद करें तो इन चीजों को भी आप ध्यान से सुने, तब वो चीज आप निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे इसका हम अंतरा देखते हैं, जैसे दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें। अब देखिए गाने का उठान, यानी अंतरा जो उठ रहा है, तो अंतरे का उठान कहां से हो रहा है, अंतरे का उठान हो रहा है आपको कोमल नी से, जैसे दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें। अगला लाइन भी यही स्वर लगेगा, जैसे मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो आओ कुछ ऐसा करे। अब इसके जो अगला लाइन है उसमें आपको ध्यान देना है, क्या है, मुझ में समा जा आपस आ जा,
आगे और बढ़ रहा है धीरे धीरे, स्वर का स्वर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है आगे। मुझ में समा जा, आपस आ जा, हम दम मेरे हम नसी। वहां से क्या हो रहा है, एक तान आ रहा है, जो हम तान का अभ्यास करते हैं, अलाप का अभ्यास करते हैं, क्या करते हैं, पलटा, अलंकार, इन सबों का अभ्यास करते हैं, तो क्या हो रहा है, उधर से एक तान बन रहा है, तान आ रहा है, मैंने यानी तार सप्तक से आ रहा है मंद सप्तक। तो आपको सिंपली में वो तान लेना है, कोई जरूरी नहीं कि जो वो तान बोला है उसी तान को आप याद करें। वो तान अगर आपको याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छा, उस तान को अगर करें, अगर वो तान नहीं याद हो पा रहा है तो आप सीधा सारे गांव पद ऐसा लेके चले, जैसे सीधा आप सानी धबा मगर ऐसा लेके आ सकते हैं, जैसे सानी धबा मगर ऐसा दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गाने निकालने हैं, और खटका, मुरकी, गमक, इन सब बातों का ध्यान देते हुए उसी तरह से आपको छोटे छोटे स्वर को पहले आपको निकालना है। जैसे अब अंतर में हमने देखा था, मुझ में समा जा, आपस आ जा, आपस आ जा, हम दम मेरे हम नसी, हो दिल है के मानता नहीं। इसी तरह अगला लाइन भी बजेगा सेम टू सेम, यही स्वर लग रहा है। तो आप इसको पहले धीरे 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 एक एक शब्द को निकालें, और उसके बाद तब आप बजाना सीखें, ठीक है दोस्तों। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो प्यारा लगा है तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर बेल पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की संगीत से जुड़ी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।